बारहवीं कॉमर्स और साइंस का रियल कैसे बना सकते हैं, आज आप उसका अध्ययन करेंगे और आप घर पर बैठ के भी अपना रियल खुद बना सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपके कितने नंबर हैं। नमस्कार मित्रों, मैं गयन सिंह तोमर, आपका सिव ऑनलाइन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। तो यहाँ पर समस्या ये हो रही थी कि जो कल मैंने वीडियो बनाया था उसके अंदर विषय के कारण रिजल्ट बन नहीं पा रहा था, तो शिक्षा मंत्री के द्वारा आज पूरा बताया गया है कि रिजल्ट कैसे बनेगा, जिन विषयों को दसवीं में विषय नहीं है उन विषयों को हम किस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए, पहले सबसे पहले हम देखते हैं, मान लो कि हमको बनाना है विषय, हम लेते हैं अकाउंट बारहवीं कॉमर्स या साइंस में आपको भी समझें, तो पहले दसवीं का रिजल्ट बनाने का है। दसवीं के पर से हमको कितने मार्क्स लेने के हैं, 50 अंक लेने के हैं। दसवीं में से हमको लेने के हैं 50 अंक, तो हमको अंक यहाँ से चाहिए 50। तो किस प्रकार से हम ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे समझो दसवीं में 420 नंबर की परीक्षा हुई थी, उसमें से हमने लिए 336 यानी कि 80% मार्क्स मिले। आप 336 की गणना करें या उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि आपके परसेंटेज कितने हैं। तो परसेंटेज आपके मान लो कि 80% है, उस 80% को क्या करना है, आधा करना है, यानी इसका 50% लेना है। चाहे तो आप 50% ले सकते हैं अथवा तो इसका डायरेक्ट 2 से भाग कर दो तो भी हमारा आ जाएगा। कितना मार्क्स आएगा हमारा, तो हमारा आएगा 40, यानी हमारा 50 में से हमको मिला 40, यानी दसवीं में से 50 में से हमने प्राप्त किया 40 अंक। अब हम ग्यारहवीं का देखते हैं, तो ग्यारहवीं में हमको कितना मिलेगा, तो ग्यारहवीं में तो हमारा विषय अकाउंट है ही ऑलरेडी, तो ग्यारहवीं में हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे प्रथम और द्वितीय परीक्षा, दो परीक्षा हुई थी आपकी, उन परीक्षाओं में हमने 50 नंबर की परीक्षा दी और 50 नंबर की परीक्षा दी, यानी हमने कितने की परीक्षा दी, तो 100 नंबर की परीक्षा दी है। यहाँ पर हमको कितना अंक प्राप्त होंगे, तो यहाँ पर हमारे को प्राप्त होंगे 25 अंक हमको यहाँ से लेने के हैं। चलिए तो देखते हैं, तो 50 में से हमने 32 अंक प्राप्त किए, फिर 50 में से हमने 38 अंक प्राप्त किए, तो हमारा ये हो गया 70। अब इसका हमको क्या करना है, तो इसमें भाग देना है 2 से, 2 से भाग करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 35 हो जाता है, तो इसका 50% कर देना है, 50% करते हैं तो हमारा आता है 17.5, ये हमारा आया 25 में से। ये हो गया हमारा दसवीं का, ग्यारहवीं का। अब हम देखते हैं बारहवीं का, बारहवीं में भी अकाउंट था, तो हम बारहवीं में कैसे प्राप्त करेंगे, तो सबसे पहले प्रथम परीक्षा और इकाई कसौटी, तो उसमें से हमारा 100 नंबर का हुआ और फिर हमने 25 अंक का लिया, उसमें से हमारे पास 70 नंबर आया और इसमें से 20 नंबर आया। ओके, हमारा ये हो गया 125 का और यहाँ पर टोटल होता है 90, इसका हम डायरेक्ट 25% निकाल लेते हैं तो हमारा हो जाता है 22.5, तो 25 अंक की परीक्षा हुई। तो इस तरह से हमारा टोटल यहाँ पर कितना आया, टोटल हमारा हो गया ये 100, और यहाँ पर हम 100 में से हमने कितना लिया, हमने तो यहाँ देखेंगे तो हमारा यहाँ पर हो रहा है, तो ये हो गया 40 और 40 कितना होता है 80, 80 मार्क्स हमारे 100 में से आए हैं। इस प्रकार से हम लोग जो विषय हमारे पास नहीं है तो उस विषय का हम यहाँ पर परसेंटेज के आधार पर से गणना करेंगे। इस तरह से हम पूरा हमने ये रिजल्ट बना दिया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।